चलो बच्चे देखिए, लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ी क्लास आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, जिससे पहली यूनिट कंप्लीट करने में आसानी हो गई। फर्स्ट यूनिट आपकी क्लासिकल की आज कंप्लीट हो जाएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स की कंप्लीट, फुल कंप्लीट पहली यूनिट हम आज हो जाएगी आपकी। अब आपकी घर पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा चाहिए, दिव्या नहीं आ रही है, कहाँ है, तबीयत नहीं, देखिए बच्चों, आपको हमने लैग्रेंजेज इक्वेशन पढ़ाई थी, लैग्रेंजेज इक्वेशन आपकी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमने बता दी। अब देखिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम केस सेकंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्यूजे की वैल्यू है, जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू है, क्यूजे की वैल्यू माइनस डेवर यू अपॉन डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे प्लस डी वाई डी टी ऑफ डेवर यू अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट। ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू है, डे माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे डी वाई डी टी ऑफ, ये प्रवाह दी वाली लाइट बंद कर दो, बोर्ड चमकेगा, डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे, ठीक है, डी वाई डी टी ऑफ डेवर अपॉन डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट। ये क्वेश्चन नंबर वहां तक कितनी थी, 20 थी, ये 21। इसे आप पुट करिए वो वाले जनरलाइज वाले इक्वेशन नंबर 17 में, इक्वेशन 21 इज यूज्ड इन इक्वेशन 17। 21 को यूज करिए 17 में, तो यहाँ पर 17 इक्वेशन क्या है बच्चों, dy dt ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस
डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे बराबर कैपिटल क्यू जे। इस कैपिटल क्यू जे जो जनरलाइज्ड फोर्स है उसमें रख दीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे बराबर माइनस डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट। अब यहाँ पर इसको इधर ले आइए, तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस में डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे प्लस डेवर वी अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जी। ठीक है, इसे आपने इस तरह किया, कंबाइन करिए डी वाई डी टी डेवर टी माइनस वी क्यू जे डॉट डेवर अपॉन डेवर क्यू जे। टी माइनस वी को लैग्रेंजियन एल कहते हैं, वेयर टी माइनस वी एल बराबर टी माइनस वी। ठीक है, एल बराबर टी माइनस वी रख दीजिए, डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे। तो ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के। This is the Lagrange's equation for non-conservative system. This is the Lagrange's equation for नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। लिखिए हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। Principle.
Hamiltonian variational principle. Very, 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 very important. Hamiltonian variational principle. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम सिस्टम संरक्षी बल के लिए फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है? हाँ वो इधर क्योंकि ये संबंध बताना पड़ेगा ना तो आ जाएगा. हेलो हाँ बताइए. नमस्ते. हाँ 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 15 तारीख हो गई ना. 15 तारीख हो गई है तो अभी के किसके फॉर्म रह गए? आपके फॉर्म भर गए कि नहीं? तो अच्छा अच्छा भिजवा दीजिए किसी लड़के से. आज कचहरी जाना भी तो जमा करा देंगे. फॉर्म है कि नहीं है? चलिए चलिए भरवा दीजिए मैडम. ठीक ठीक आधार कार्ड और ग्रेजुएशन की फोटोकॉपी डिग्री की फोटोकॉपी जो मिल जाए वो लगा दें. ठीक है उससे ये कन्फर्म हो जाए कि वो ग्रेजुएट है. ठीक है बस ये है. ठीक ठीक देखिए ये सेकंड यूनिट का इसलिए टॉपिक बताना पड़ रहा है क्योंकि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज कर लेंगे तो एक दो टॉपिक की रहने दें. अभी रहने दो दूसरी यूनिट में ही पढ़ना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसको अगली यूनिट में ही पढ़ाएंगे. इसको यही रखो आगे देखो. उन्होंने अलग अलग किया ना तो फिर मिल जाएगा. आगे आओ. न्यूटन सेकेंड लॉ बता दें पर हैमिल्टन प्रिंसिपल से है लैग्रेंज से. यह है जियोस्कोपी जनरलाइज्ड मोमेंटा बता देते हैं. चलो ये यूनिटी कंप्लीट करते हैं गड़बड़ा रहा है. लिखो लैग्रेंजियन काट दोस्तों. लैग्रेंजियन फॉर चार्ज्ड पार्टिकल. इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लैग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. यह कहते हैं जायरोस्कोपिक फोर्सेस ठीक है.
जायरोस्कोपिक फोर्सेस, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो फोर्स लग रहा है F बराबर क्यू ई प्लस वन अपॉन सी बी क्रॉस बी, वन अपॉन सी बी क्रॉस बी, इससे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है QE हुआ F बराबर QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, और F M मैग्नेटिक फोर्स हुआ, Q अपॉन C V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स हुए, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स फोर्स, ये जो चुंबकीय बल है फोर्स, इज द जायरोस्कोपिक फोर्स, इज द जायरोस्कोपिक फोर्स, इज द जायरोस्कोपिक फोर्स। और ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है एंड इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये असंरक्षी बल है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है जायरोस्कोपिक फोर्स क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही हो गया, क्यू अपॉन सी वी क्रॉस बी, ये कौन सा फोर्स कहलाता है, जायरोस्कोप। और ये आपका जैसे फोर्सेस लगते हैं तो सब कंजर्वेटिव होते हैं, भाई लॉरेंज फोर्स कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, पर ये आपका क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, अभी याद कर लीजिएगा, बी की वैल्यू है डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, अब फाई याद हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान माइनस डेल फाई
वन अपॉन सी देवर ए अपॉन देवर टी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाई जो है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, फाई जो है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। देखिए जरा नोट कर लीजिए जल्दी से, देखिए जरा, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम आप पढ़ चुके थे हमने लास्ट टाइम, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी, तो जनरलाइज्ड फोर्स जो होता है ये जनरलाइज्ड फोर्स है, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स क्यूजे की वैल्यू है माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर क्यूजे, डी बाई डी टी ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर क्यूजे डॉट। ये बच्चों लर्न रखना है, ठीक है। इसको तो कंजर्वेटिव के लिए प्रूफ किया गया, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डायरेक्ट लिख दिया गया, तो याद कर लीजिए क्यूजे बराबर माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर क्यूजे, डी वाई डी टी ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर क्यूजे डॉट। अब ये हमने क्यूजे की जगह रख दिया, अब हम इधर ले गए डी वाई डी टी ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यूजे, ठीक है। ये आप माइनस ये वाला डी वाई डी टी ऑफ डेवर, इसको हम इधर ले आए तो ये वाला इधर ले आए और ये वाला इधर लाए, तो ये ऐसे लिख दिया डी वाई डी टी ऑफ डेवर अपॉन डेवर क्यूजे डॉट टी माइनस वी, डेवर अपॉन डेवर क्यूजे क्या हो गया टी माइनस वी, टी माइनस वी लैग्रेंजियन। तो आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी लैग्रेंजियन इक्वेशन वैसे ही आती है। अब देखिए लैग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जब टिपिकल पेपर होता है तो ये लैग्रेंजियन का एक आध बार आया है टॉपिक, तो हमने कहा इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक स्टेप याद करा देंगे तो तुम्हारे लिए उतना टिपिकल नहीं होगा, नहीं तो आप बुक में करेंगे बहुत टिपिकल है ये, ठीक है। अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन लगाओ ऑन लिख गए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलो, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आज बात करते हैं उनसे, ठीक ठीक हम्म।
बगल वाले वार्ड की भी अगर तुम बता देना उसमें फाइनल कर देंगे, वार्ड 29 भी संभाल के देख लो। और इसमें भी तीन जगह का दिया है जिम्मेदारी। ठीक है, संभाल के टिकट तुम्हारे हाथ में है, तुम जिसको कहो तो वहाँ दिल के दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 चलो अभी चले चलेंगे, शाम को बैठ के बात करेंगे उनको बुला। ठीक 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 मान देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, F बराबर क्यू ई वन अपॉन सी वी क्रॉस बी। तो एफ ई बराबर क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बराबर क्यू अपॉन सी वी क्रॉस बी। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज द जायरोस्कोपिक फोर्स एंड इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस डेल फाई माइनस वन अपॉन सी डेवर ए अपॉन डेवर टी। फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, फाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। अब ये वैल्यू आप रखिए E की और B की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड B इन इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ई एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ बराबर क्यू ई वन अपॉन सी बी क्रॉस बी। तो F बराबर क्यू, E का मान, ठीक है, E का मान माइनस डेल फाई वन अपॉन सी डेवर ए अपॉन डेवर टी वन अपॉन सी V क्रॉस क्रॉस ए, ठीक है, क्रॉस ए। अब इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लीजिए। अब इसे सॉल्व करने का मतलब बहुत टिपिकल काम है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बुकों में सॉल्व करके निकालते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, नाउ वी टेकन कंपोनेंट, नाउ वी टेकन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स की वैल्यू क्यू डेवर अपॉन डेवर एक्स फाई माइनस वन अपॉन सी वी डॉट ए, ठीक है, डी वाई डी टी, ठीक है, डेवर अपॉन डेवर एक्स डॉट फाई माइनस वन अपॉन सी
ठीक है, ये आपका, तो एफ एक्स बराबर क्यू माइनस में डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर एक्स फाई वन अपॉन सी वी डॉट ए, डेवर डी वाई डी टी ऑफ डेवर अपॉन डेवर एक्स डॉट फाई माइनस वन अपॉन सी वी डॉट ए। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये u को दिखा रहा है, वेयर u बराबर q फाई माइनस q अपॉन c v डॉट a, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ठीक है, तो ये कैसे आया ये मत पूछो, ये लाना पड़ेगा, ला नहीं पाएंगे हम, लाने में फिर लॉन्ग का बहुत बड़ा, ये यहां से देखो ये करके तब आएगा, तब तक हम जरा से ऊपर हो आए, सबको दिखा दे, वो करना पड़ता है, दिक्कत हो जाता है, फिर उसके बाद सबको जब निकालेंगे तब आती है, तो हमने इतने मतलब तीन चार तो उसको हमने लेकिन
ऑनलाइन
तो ये हमेशा हम याद कराते हैं, जो ये रिजल्ट है डायरेक्ट कर देते हैं तो शॉर्ट के लिए हो जाता है। जो ये लिखवाया है एफ एक्स बराबर एक्स कंपोनेंट वाले, क्या मतलब वैसे क्वेश्चन अब शुरू करेंगे तेजी से। वैसे थोड़ा ये हो गया ना क्लासिकल, एक स्टैटिस्टिकल नहीं नहीं लेजेंडर का सलूशन जो है वो हमने बताया ना, लेजेंडर का एक सलूशन लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सब थोड़ी ना आती, कुछ प्रूफ भी आते प्रूफ टाइप के, वो अब तेज़ी से खींचेंगे। ये संडे से उस पर हम काम करेंगे तेज़ी से। अभी तो बीस ही भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन ये है ना कि ये एग्जाम देना, अब पहले दूसरा बीसी आएगा ना। ये जितने लेट होंगे सेकंड सेमेस्टर में उतने कम समय मिल जाएगा ना। लेट का ज्यादा लेट थोड़ी ना होगा, जनवरी के एंड में तो हो नहीं है भाई। पेपर जो है मैक्सिमम जन बहुत ज्यादा होगा फरवरी के सेकंड वीक में हो जाएगा बस। क्यों जन्मदिन है क्या? अरे प्रभात सबको बुला लेना तुम। कौन से भैया तुम्हारे सगे भाई हैं कि? अच्छा अच्छा अरे तो फिर अब चाचा के लड़के के में नहीं, तुम्हारे शादी में अब हम लोग आएंगे सब लोग। अब देखिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो एफ एक्स बराबर ये क्यू अंदर करिए, एफ एक्स बराबर डेवर अपॉन डेवर एक्स क्यू फाई माइनस वन अपॉन सी वी डॉट ए डी बाई डी टी डेवर अपॉन डेवर एक्स डॉट क्यू फाई माइनस वन अपॉन सी वी डॉट ए। ये है पोटेंशियल एनर्जी यू, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डी बाई डी टी ऑफ
डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डॉट, डेवर एक्स डॉट, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन ये है, ये आपका। अब ये अब एफ एक्स को एक्स की जगह आप क्या करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह पर आप क्यू जे लगाइए, क्योंकि इसके बिना तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो आएगा क्यू जे के फॉर्म में, ये होगा एक्स के फॉर्म में, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्यू जे क्या मतलब क्या है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो x की जगह पर qj और x डॉट की जगह पर qj डॉट, x डॉट की जगह पर qj डॉट। अब fx की वैल्यू है माइनस डेवर यू अपॉन डेवर qj डी बाई डी टी ऑफ डेवर यू अपॉन डेवर q डॉट, ठीक। अब जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है भाई बच्चों, देखिए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, देवर टी अपॉन देवर क्यूजे, क्यूजे की जगह आप एफ एक्स ले लीजिए, क्यूजे की जगह अब आपका जनरलाइज्ड फोर्स एफ एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ देवर टी अपॉन देवर क्यूजे डॉट डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे बराबर माइनस डेवर यू अपॉन डेवर क्यू जे डी वाई डी टी ऑफ डेवर यू अपॉन क्यू जे डॉट, इसको आप इधर ले जाइए, बन गई लैग्रेंजेज इक्वेशन। तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट देवर टी अपॉन देवर क्यू जे डॉट माइनस में डी वाई डी टी ऑफ देवर यू अपॉन क्यू जे डॉट, ठीक, माइनस में देवर टी अपॉन देवर क्यू जे, ठीक है, प्लस देवर यू अपॉन देवर बराबर जीरो, ठीक है।
तो ये आपका हो गया dy/dt डेवर अपॉन डेवर qj डॉट टी माइनस यू, ठीक है, डेवर अपॉन डेवर qj टी माइनस यू। टी माइनस यू किसके बराबर? एल के, ठीक है, लैग्रेंजियन एल के। तुम गलतियां बहुत करती हो, उसको सुधारना, नोट्स थोड़ा और ध्यान दो। तुम्हारा नोट हमें देख लिया इसलिए हम कह रहे हैं, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, अब इतना समय नहीं ना हम लोगों पास। वैसे कायदा यही होता है कि जैसे आपने हमने पढ़ाया, अब बच्चे का कई बार क्या होता है, सिंबल में दिक्कत आ रही है कुछ, तो चेक कर लेना चाहिए, पर इतना समय नहीं होता। अब जहाँ आपने पूछा तो वहीं नोट्स चेक हो जाता है। अब t माइनस यू को क्या मानेंगे, वेयर t माइनस यू को लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन फर्स्ट की कॉपी नहीं आना तुम। हाँ, जितना हमने पढ़ाया पूरा है ना तुम्हारे पास। हाँ, तो कल अगले टर्न सैटरडे ले आना। तो ये हो गया d/dt डेवर एल अपॉन डेवर qj डॉट। सेवम क्यों नहीं आ रहा है प्रभात? उसका हो गया क्या सिलेक्शन? ठीक, ये लैग्रेंजेज इक्वेशन हो गई फॉर चार्ज पार्टिकल। दिस इज द इक्वेशन फॉर चार्ज्ड पार्टिकल। दिस इज द लैग्रेंजेज इक्वेशन फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और जहां पर लैग्रेंजियन एल की वैल्यू, एल की वैल्यू है टी माइनस यू, ठीक है, एल की वैल्यू टी माइनस यू, और U का मान है, U का मान है क्या है, U का मान क्या, देखिए क्या था U का मान, Q phi माइनस में 1/c v डॉट है। अब आ जाइए, अगला टॉपिक है जनरलाइज्ड मोमेंटा, जो सिलेबस में लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। हेलो, कुछ नहीं भरना है उसमें, साइन कर देने बस, हैं? बस बस छोड़ दीजिए उसको। हाँ, बस 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 बस, ठीक है, ठीक है। क्या, अरे वो क्यों बाहर था ना, वो अंदर कर गए हूँ, ठीक है। अब आइए बच्चों,
जनरलाइज्ड मोमेंटा, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है सिलेबस में। ये आज हमने फर्स्ट यूनिट, प्रभात ने इधर उधर जाने नहीं दिया तो हम पहली यूनिट पे ही फोकस किए कि आज इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे भी एक लॉन्ग आना है और वो लॉन्ग कन्फर्म, अगर दो लॉन्ग आएंगे तो एक हो जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का और एक हो जाएगा लैग्रेंजेस का, ठीक है, दो लॉन्ग। और अगर एक लॉन्ग आता है तो लैग्रेंजेस, वैसे आपके आठ लॉन्ग आएंगे जिसमें से चार करने होंगे, तो जनरलाइज्ड वाला या कॉन्स्टेंट्स वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। एक सरल लॉन्ग ये भी आ सकता है, सेंटर ऑफ मास वाला, पूरा टॉपिक पूरा एल जे तक, जे बराबर जे सी एम आर सी एम क्रॉस पी वाला। अब आगे हेडिंग डालिए जनरलाइज्ड मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा, ठीक है। सिलेबस में लिखा है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पर्टिकुलर नाम से लिखा है। लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। सैजल मैच देखती भी नहीं, तुम क्रिकेट देखती और अंशी अवस्थी है? आज इंडिया का इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल है। अच्छा अच्छा आज है बेटा सेमीफाइनल। अगर आज इंडिया जीत जाती है तो पाकिस्तान के साथ बात फाइनल 2007 वाला फिर से। पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं ना, डी वाई डी टी है? इंग्लैंड को हराया जा सकता है। हेलो अच्छा 246 में वो ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं, ट्यूसडे से हाँ हाँ मंगलवार से शुरू करेंगे, ठीक है मंगलवार से आना, ठीक। डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर, क्या नहीं तो ये इंडिया का हमेशा से चलता रहा है। चक्कर क्या है ना, पाकिस्तान हमेशा अगल बगल देश में, जैसे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच भी वैसा ही है, आपस में अगल बगल वाले देश होते हैं। जैसे आपके बगल वाला आपसे लड़ जाए या मान लीजिए कंट्रोवर्सी हो जाए तो ज़्यादा हो जाता है कि वो आगे निकला जा रहा है, सो कंपटीशन। प्लस इंडिया के पाकिस्तान से इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो हमेशा एंटी काम करता रहा है, कभी भी। अब जैसे नेपाल से उतना एंटी नहीं है, उतना चाइना से भी एंटी नहीं है, ठीक है, ना श्रीलंका से। पाकिस्तान ने जैसे ही आज़ाद हुआ तुरंत हथियार खरीद के भारत पे अटैक कर दिया, हर बार हारा है और बुरी तरह हारा है। डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट और ड्रेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। और विवाद भी इंडिया का ऐसा चल रहा है, सपोज क्यूजे इज साइक्लिक, इज साइक्लिक क्यूजे इज साइक्लिक, ठीक है, इट डज नॉट क्यूजे साइक्लिक, साइक्लिक है तो डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे बराबर जीरो।
डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर जीरो। साइक्लिक होता है तो एल जो है क्यू जे का फंक्शन नहीं है। लैग्रेंजियन एल आपका फंक्शन नहीं है क्यू जे, डज नॉट द फंक्शन ऑफ क्यू जे। और फंक्शन नहीं है तो जब उसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, फंक्शन नहीं तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो डेवर एल अपॉन जब ये जीरो आएगा यूज करिए, यूजिंग सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को यूज करिए फर्स्ट में, डी वाई डी टी एफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट बराबर जीरो। तो डी वाई डी टी एफ इसे इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन थर्ड विद डेवर एल अपॉन क्यू जे डॉट कॉन्स्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू आई जे एम आई क्यू जे डॉट इसके डिफरेंशिएट करो डेवर टी अपॉन क्यू जे डॉट हाफ एम आई टू क्यू जे डॉट। तो डेवर टी अपॉन आती है सिग्मा आई जे एम आई क्यू जे डॉट, क्यू जे डॉट लीनियर मोमेंटम पी ये होगा, वेयर एम आई क्यू जे। तो डेवर टी अपॉन की वैल्यू पी जे के बराबर। ठीक, यूज करिए
अब यहां पर ये वैल्यू को आप t माइनस यू रखोगे तो इसकी वैल्यू भी डेवर अपॉन डेवर क्यू जे डॉट टी माइनस वी, तो ये t के ही बराबर आती है। v तो फंक्शन होता है क्यू जे का, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी v तो डेवर t अपॉन डेवर क्यू जे डॉट किसके बराबर, डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट के। ये किसका है, क्या है, कांस्टेंट, ये आ गया ना, तो इससे कंपेयर कर लीजिए किसको, 4b को, ये है 4a, कंपेयरिंग इक्वेशन 4b, कंपेयरिंग इक्वेशन 4b एंड इक्वेशन 7, 4b और 7 को कंपेयर करिए तो क्या आएगा, डेवर t अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, डेवर t अपॉन डेवर क्यू जे डॉट किसके बराबर, pj के, वो क्या है, कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जनरलाइज्ड मोमेंटा कॉन्जुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड, जनरलाइज्ड मोमेंटा, ये जो टी होती है साइक्लिक, जनरलाइज्ड मोमेंटा conjugate to cyclic coordinates is conserved. Hence generalized momentum conjugate to cyclic coordinate is conserved. इज कंसर्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट डी वाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर है जीरो। डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट ये पी जे के बराबर, डी बाई डी टी ऑफ पी जे डेवर एल अपॉन डेवर क्यू बराबर है जीरो। पी जे डॉट बराबर डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे, पी जे डॉट बराबर डेवर एल अपॉन डेवर क्यू, ये आपके हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है।
इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे पीजे बराबर डेवर टी अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, ठीक है, या डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, ठीक है भाई। वो वी तो वहां फंक्शन रहता नहीं है, तो वही बन जाता है। और पी जे डॉट बराबर डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे, ठीक है, 10, 11 ठीक है। ये आपका, अब आ जाइए साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स और बता दे खत्म। हैमिल्टोनियन, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए द क्वांटिटी सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, मोशन विथ ए कंडीशन, विथ ए कंडीशन, विद द कंडीशन, कंडीशन दैट दैट L does not involve time, इस constant को हमने H से दिखाया, this quantity, quantity represented by H, by H, तो H जो है वो वैल्यू क्या है, सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल क्यू जे क्यू जे डॉट, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन एच फंक्शन है क्यू जे पी जे का बराबर सिग्मा जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल
क्यू जे डॉट। ठीक है, एच डज नॉट इन्वॉल्व विथ टाइम, वेयर एच डज नॉट इन्वॉल्व विथ टाइम, एच डज नॉट इन्वॉल्व विथ टाइम, इट इज सेट टू बी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, इट इज सेट टू बी ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, सेट टू बी ए कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, ऑफ मोशन, said to be a constant of motion. ठीक, अब देखिए, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस ये आती हैं, वही आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस, हैमिल्टोन्स कहलाता है, हैमिल्टोनियन लेकर हैमिल्टोन्स टोन्स कैनोनिकल इक्वेशन, कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोन्स कैनोनिकल इक्वेशन क्या है, एच के फॉर्म में आएगी। ठीक है, आपका क्यू जे डॉट है डेवर एच अपॉन डेवर पी जे डॉट है माइनस डेवर एच अपॉन डेवर क्यू जे, और माइनस में डेवर एल अपॉन डेवर टी है डेवर एच अपॉन डेवर टी। ये है हैमिल्टोन कैनोनिकल इक्वेशन, इक्वेशन इसको डालो फर्स्ट से, डालो सेकंड, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो हैमिल्टोन्स कैनोनिकल इक्वेशन है वो क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। दीज हैमिल्टोन्स कैनोनिकल equation are also known as cyclic coordinates, are also known as cyclic coordinates। ठीक है, इनको ही हम क्या कहते हैं, cyclic coordinates। अब बच्चों 9:45 हो गया है, पर्याप्त, अब आप लोग प्रस्थान करो घर की तरफ। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, प्रभात चाहते थे कि आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो ये पूरी यूनिट हो गई है। तुम लोग बच्चों फीस जिसकी नहीं जमा है वो लोग जल्द